अच्छा पतलू, तुम्हें बोलने वाले कौवे से मिलना है तो इस तरफ से जाओ, तुम्हें जंगल के बीच में बोलने वाला कौवा मिलेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं जाता हूँ और बोलने वाले कौवे से मिलकर बहुत ही जल्दी घर वापस आ जाऊंगा। सुना है पतलू जंगल की तरफ गया है किसी कौवे से मिलने के लिए, मैं भी चलता हूँ और देख लेता हूँ आकर कौवे से पतलू क्या बात करता है। अरे पतलू, इस कौवे को देखो, कितना काला है ना, इसको देखकर तो मुझे हंसी आ रही है, ये तो रात में किसी को नजर भी नहीं आता होगा। अरे मोटे, पहले खुद को देख, गुब्बारे जैसा तेरा पेट है और तू मुझ पे हंस रहा है। मोटे खुद को देख, हवा आएगा ना तो तू गुब्बारे की तरह हवा में उड़ जाएगा मोटे। अरे काले कौवे, तू इतना काला और तू मेरा मजाक उड़ा रहा है, अपनी लिमिट में रे, एक लात मारूंगा न सर रहेगा तेरा और न पैर बचेगा तेरा, समझे काले कौवे। मोटे गुब्बारे की तरह फूला है तू, एक चोंच तेरे पेट पे मारूंगा ना तो सारी हवा निकल के हवा में उड़ जाएगा और तू मुझे चुप रहने के लिए कह रहा है मोटे। बस बहुत हो गई मेरी बेइज्जती, अगर अब एक लफ्ज तूने मुंह से निकाल दिया तो याद रख तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा कौवे, समझा, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं अभी। अरे मोटे, तू मेरे टुकड़े टुकड़े करेगा, तू यहाँ पर रुक, मैं अभी दिखाता हूँ कि कौन किसके टुकड़े करता है, सबर कर यहाँ पर मोटे, तुझे अभी मैं दिखाता हूँ। भाग पतलू भाग, ये कौवा तो हमारे पीछे कुल्हाड़ी लेके आ रहा है, कहीं सच में हमारे टुकड़े टुकड़े न कर दे। भाग पतलू भाग, ये तो बड़ा खतरनाक कौवा निकला, पतलू भाग, आ रहा है पीछे से। अरे पतलू जल्दी आ यार, उस कौवे से बड़ी मुश्किल से जान बची है, दोबारा तो मैं काले कौवे को कुछ भी नहीं बोलूंगा, वो तो हमें मारने पे तुला था, मैं मोटा और तू पतला दोनों की बोटियां बोटियां कर देता, वो काला कौवा बड़ी मुश्किल से बचे हैं हम।